हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और मैं कीर्ति वर्मा बीएससी के लिए आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए। और हमने कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और हमारा ग्लूकोज टॉपिक ख़त्म हो चुका है कल। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फ्रक्टोज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इसका जो और दूसरा कॉमन नेम है उसको फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। और क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप है, मैं पहले भी इसकी स्ट्रक्चर बता चुकी हूँ, अभी फिर से बताऊँगी। इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए इसको पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी बोलते हैं। हमने ग्लूकोज को बोला था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। और क्योंकि इसमें कीटो ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, तो इसको क्या बोल देंगे, एल्डोज था और एक था कीटोज, तो इसको क्या बोल देंगे, कीटोज भी बोल देंगे। ठीक है, ये था आपका फ्रक्टोज। इसका जो फॉर्मूला होगा आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला यही होगा C6H12O6। इट इज़ सिमिलर लाइक ग्लूकोज, देखो C6H12O6। ठीक है, तो अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर, स्ट्रेट या चैन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। CH2OH, सेकेंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस पे होता है आपका CH2OH। ये तो सिमिलर है आपके यहाँ पर आ जाएगा आपका H और इधर आ जाएगा आपका OH। ये है आपकी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। फ्रक्टोज की स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर और चैन स्ट्रक्चर। ठीक है, और अगर इसी को ही आपको फिशर प्रोजेक्शन बनाना है, इसी का ही फिशर प्रोजेक्शन, तो कैसे होगा, CH2OS तो ऐसे ही रहेगा और नीचे यहाँ पर CO ग्रुप भी ऐसे ही, और बाद में जो आपके तीन हैं ये 1 2 3 और यहाँ पर आपका CH2OH ऐसे ही यहाँ पर आएगा OH और ये होगा H, ये OH, H और ये OH, ये आपका है फिशर प्रोजेक्शन। ये आपकी है फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। इसको फ्रूट शुगर बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी बोलते हैं, कीटोन ग्रुप होने की वजह से इसको कीटोज भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होता है ग्लूकोज की तरह ही, इसकी स्ट्रक्चर बस थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें यहाँ पे कीटोन ग्रुप आता है सी डबल बॉन्ड ओ वाला, और इसका फ्रक्टोज नाम है, और इसको स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर और चैन स्ट्रक्चर इसकी ये है, और इसकी फिशर प्रोजेक्शन ये है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका शुरू करने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर डालिए अपना प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड में नंबर 1 डाल दीजिए फ्रॉम इनुलिन। पहले ही वाला एक बार नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए इनुलिन से कैसे बनता है। इनुलिन से मैं रफ कर देती हूँ, फिर से बना देती हूँ।
प्रिपरेशन मेथड ऑफ फ्रक्टोज। फ्रॉम इनुलिन, इनुलिन क्या होता है आपका? पॉलीसेक्राइड है आपका इनुलिन। और ये कहाँ से मिलता है हमें? डहलिया जो होता है उसके रूट से मिलता है हमें। और ये क्या करेगा, इनुलिन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किससे? वाटर से। और क्या बना लेगा? बॉइल होके क्या करेगा, ये बना लेगा आपका फ्रक्टोज। देखो कैसे, बॉइल होगा और क्या बनाएगा आपका, एन मोल ऑफ C6H12O6, और ये फ्रक्टोज है। ठीक है, अब इसमें लिखना रह गया, लिख लीजिए। इनुलिन इज अ पॉलीसेक्राइड which can be obtained from the roots of dahlia. It is the main source of fructose. ये आपका जो फ्रक्टोज है उसका इंडस्ट्रियल मेथड भी है, इनुलिन से ही बनता है आपका। लार्ज स्केल पे जो हमारा बन रहा है फ्रक्टोज, वो इनुलिन से ही बनता है। इंडस्ट्रियल मेथड भी है ये आपका डहलिया। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रक्टोज कैन बी प्रिपेयर ऑन लार्ज स्केल बाय इनुलिन। ठीक है, लार्ज स्केल पर जो हमारा बन रहा है फ्रक्टोज, वो इनुलिन से ही बन रहा है। ठीक है, और इसको ऐसे बनाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C6H10O5 का होल N, और NH2 ही लेंगे और इसको बॉयल करेंगे और हमारे पास बन जाएगा N मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रक्टोज। नाउ सेकंड है आपका फ्रॉम सुक्रोज, इससे तो आपने ग्लूकोज भी बनाया था फ्रॉम सुक्रोज। तो लिख लीजिए, सुक्रोज कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म हाइड्रोलाइज्ड और किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम टू फॉर्म फ्रक्टोज। सुक्रोज कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम टू फॉर्म फ्रक्टोज। इन दिस रिएक्शन अ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉर्म्ड बट वैन द मिक्सचर इज ट्रीटेड विद लाइम देन क्या हो जाएगा, क्या बनेगा आपका? जब लाइम से हम क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे, तो हमारे पास बनेगा
देन सी ए फ्रेक्टोजेट विल फॉर्म एंड दिस इज सेपरेटेड एंड दिस इज सेपरेटेड एंड सेपरेटेड ये सेपरेट हो जाएगा और क्या करेगा एंड डीकम्पोज्ड एंड डीकम्पोज्ड बाय CO2 गैस से डिकम्पोज हो जाएगा ठीक है एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन एंड CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एंड दिस CaCO3 कैन बी दिख रहा होगा कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन ठीक है। तो सबसे पहले इस मेथड को समझ लीजिए। हमने ग्लूकोज का भी समझा था, ग्लूकोज में मिक्सचर मिला था और उसमें हमने उसको किसमें अल्कोहलिक सॉल्यूशन में पास आउट करा दिया था। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को हमने लाइम से ट्रीट किया और फिर हमें क्या मिल गया, सी ए फ्रक्टोजेट मिल जाएगा और उसके बाद ये सेपरेट हो जाएगा और फिर इसको डिकम्पोज करेंगे सी ओ टू गैस से और सी ओ टू गैस से डिकम्पोज होने के बाद ये एक सॉल्यूशन बनाएगा और सी ए सी ओ थ्री भी बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो आपका सेपरेट हो जाएगा फिल्ट्रेशन के द्वारा और जो आपका सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, क्रिस्टल फॉर्म में हमारा उसको कंसनट्रेटेड करेंगे उसको और वो क्या बना लेगा, क्रिस्टल बना लेगा फ्रक्टोज के ठीक है। एंड सॉल्यूशन इज कंसनट्रेटेड एंड सॉल्यूशन इज कंसनट्रेटेड टू फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ फ्रक्टोज ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कैसे होगी, ये ऊपर वाला यहाँ कर देती हूँ, इसकी रिएक्शन यहाँ कर देती हूँ। देखो इसकी रिएक्शन यहाँ पे होगी, इसकी रिएक्शन कैसे होगी, C12H22O11 प्लस क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो वाटर लेंगे और इन्वर्टिस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है और क्या बना रहा है ये C6H12O6 बना रहा है और प्लस C6H12O6 बना रहा है। ये है आपका ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल तो ग्लूकोज का बनाएगा और एक मॉलिक्यूल बनाएगा फ्रक्टोज का, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का। अब क्या करेंगे, ये जो ग्लूकोज ये जो फ्रक्टोज बनाए जब ये लाइम से रिएक्ट करेगा तो आपका बनाएगा सी ए फ्रक्टोज, क्या बनाएगा देखो कैसे बनाएगा, ये यहाँ पे बना देती हूँ, ये बनाएगा C6H12O6 इंटू CaO, इसका नाम है कैल्शियम फ्रक्टोजेट और फिर ये डिकम्पोज होगा CO2 से और जब ये डिकम्पोज्ड होगा, डिकम्पोज होने के बाद बनाएगा C6H12O6 का सॉल्यूशन और प्लस आपका बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम फिल्ट्रेशन से अलग कर लेंगे और जो सॉल्यूशन है इसको कंसनट्रेटेड करेंगे और फिर ये क्रिस्टल फॉर्म में आपका फ्रक्टोज बना लेगा। ये है आपकी टू मेथड्स प्रिपरेशन की, फ्रक्टोज की हम टू ही मेथड पढ़ेंगे। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज डाल दीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज, फिजिकल
प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज? नंबर वन डालो, इट इज अ वाइट कलर्ड, इट इज अ वाइट कलर्ड सॉलिड कंपाउंड. एक तो ये वाइट कलर का सॉलिड कंपाउंड होता है, दूसरा क्या है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 103 डिग्री सेल्सियस. एंड थर्ड इज इट इज स्वीट इन टेस्ट. एंड फोर्थ है इट इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में हाईली सॉल्यूबल है. एंड फिफ्थ वन लिख सकते हो, इट इज़ फाउंड इन, किस में मिलता है ये, हनी में, इज़ फाउंड इन हनी. एंड सिक्स आप क्या लिख सकते हो, वाइट कलर्ड हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, स्वीट इन टेस्ट, इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, इट इज़ फाउंड इन हनी. और लिख सकते हो आप इसका, इट इज़ फ्रूट शुगर. ये फ्रूट शुगर भी है. सिक्स प्रॉपर्टीज़ काफ़ी है इसकी. अब आती हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज. तो ध्यान से देखिए, इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, और बाकी आपके 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, तो आप लिख सकते हो इन फ्रक्टोज वन कीटो ग्रुप एंड 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट इन फ्रक्टोज. वन कीटो ग्रुप एंड 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट. सो इट्स केमिकल रिएक्शन इसकी केमिकल रिएक्शन कैसी होंगी, इट्स केमिकल रिएक्शन विल बी ड्यू टू ऑफ कीटो ग्रुप एज वेल एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप. इसकी जो केमिकल रिएक्शन होंगी वो कैसी होंगी, कीटो ग्रुप की वजह से भी होंगी और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से भी होंगी. याद करिए आप आपने जो ग्लूकोज पढ़ा था, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था, तो उसमें 1 एल्डिहाइड ग्रुप और 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट थे, तो उसकी भी केमिकल रिएक्शन हुई थी. हमने जब तीन पार्ट में की थी, ए पार्ट में की थी ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप, दूसरा था ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप. सेम ऐसे ही होंगी, ए पार्ट में इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे ड्यू टू कीटो ग्रुप, और सेकंड वाले पार्ट में बी पार्ट में पढ़ेंगे ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और सी पार्ट में मिक्स रिएक्शन. ऐसे ही हम इसमें पढ़ने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप. सो इट्स केमिकल रिएक्शंस मोस्ट रिजेंबल टू ग्लूकोज. तो इसकी केमिकल रिएक्शन ग्लूकोज की जैसी ही होंगी. फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं. सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा.
ए पार्ट डालिए, भी नहीं चल रहा है, दूसरा मार्क करिएगा, ए पार्ट डालिए, रिएक्शन ड्यू टू रिएक्शन ड्यू टू कीटो ग्रुप, कीटो ग्रुप की वजह से रिएक्शन, नंबर वन डालिए, रिएक्शन रिएक्शन विद HCN, हमने एल्डिहाइड उसमें ग्लूकोज में भी की थी HCN से रिएक्शन, और ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन में आया था, सेम वैसे ही है, फ्रक्टोज रिएक्ट्स विद HCN एंड फोम फ्रक्टोज साइनो हाइड्रिन, फ्रक्टोज साइनो हाइड्रिन कैसे, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर CH2OH सी डबल बॉन्ड ओ, और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ CHOH का होल थ्राइस और इसको CH2OH, ये आपका फ्रक्टोज है, रिएक्शन करी इसने HCN से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इधर ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा इधर तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बनाएगा, ये वाला नेगेटिव जाएगा इस पॉजिटिव के बाद और ये पास और ये पॉजिटिव जाएगा इस नेगेटिव के पास, और आपका बना लेगा यहाँ पे आ जाएगा OH और इधर आपका आ जाएगा साइलेंट ग्रुप, और ये हो जाएगा CHOH का थ्राइस और ये हो जाएगा आपका CH2OH, ये है आपका फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन, ठीक है, ये होता है आपका फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। दूसरा ये कि इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन नहीं करता है, ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन नहीं करता है, पहले एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर सेकंड हेडिंग डाल लीजिए, जल्दी से नोट डाउन करिए, ये सभी ने कर लिया होगा, सेकंड रिएक्शन डालिए, डक्शन रिएक्शन सेकंड है आपकी, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन, अब ये रिडक्शन कैसे करता है देखिए, फ्रक्टोज हैज बीन रिड्यूस्ड बाय वीक रिड्यूसिंग एजेंट, बाय वीक रिड्यूसिंग एजेंट लाइक PDBaSO4, ठीक है, एंड फोम क्या बनाता है, सॉर्बिटॉल, ग्लूकोज ने भी सॉर्बिटॉल बनाया था, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर का फ़र्क है, CH2OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे CHOH का थ्राइस और ये आपका है CH2OH, ठीक है, इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है PDBaSO4 की प्रेजेंस में, वीक रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, ये क्या करेगा, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा एक एच इधर और एक एच इधर, तो ये क्या बन जाएगा CH और यहाँ क्या आ जाएगा एक एच इधर एक एच इधर, तो CHOH ही बन जाएगा, यानी कि CHOH ये चार हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा CH2OH CHOH का होल फोर एंड CH2OH, यही है आपका सॉर्बिटॉल, ठीक है, थर्ड लिखे, ये वाला रफ कर देती हूँ तो हो गया होगा, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, थर्ड लिखिए,
थर्ड लिखिए रिएक्शन विद हाइड्रोजन फ्रक्टोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म्ड फ्रक्टोज हाइड्रोजन। ठीक है, किसे बनाएगा? इधर कर लेती हूँ थोड़ा सा ना, यहाँ आएगा नहीं। NS2 आपका हाइड्रोजन है। जब ये रिएक्ट करेगा, ये जो O है ये इस H के साथ चला जाएगा और ये पूरा ग्रुप आके इस पे जुड़ जाएगा, यानी कि -H2O तो निकलना ही है। बाकी ये देखो कैसे हो जाएगा, C पे क्या आके जुड़ जाएगा, ये पूरा ग्रुप ऐसे, और ये है आपका फ्रक्टोज हाइड्रोजन। फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब फोर्थ रिएक्शन डालिए, रिएक्शन विद सेमी कार्बोजाइड, रिएक्शन विद सेमी कार्बोजाइड ग्लूकोज सॉरी फ्रक्टोज रिएक्ट्स विद कार्बोजाइड एंड फॉर्म क्या बना लेता है, फ्रक्टोज सेमी ए है कार्बोजोन, ये बना लेता है कैसे, CH2OH और ये हो जाएगा आपका CHOH रिएक्शन करेगा ये सेमी कार्बोजाइड का फॉर्मूला आपको वहाँ भी याद कराया था, NH2NH CO NH2, ये होता है सेमी कार्बोजाइड। और जब ये रिएक्शन करता है तो वाटर तो बाहर निकलता ही है, ये वाला H2 इस O के साथ वाटर रिलीज कर देता है और आपके पास बन जाता है CH2OH C, और C पे डबल बॉन्ड के साथ ये पूरा ग्रुप आके ऐड हो जाएगा NH CO NH2, और यहाँ पर हो जाएगा CHOH का होल थ्राइस एंड नीचे आ जाएगा CH2OH प्राइमरी अल्कोहल, ये होता है आपका फ्रक्टोज सेमी कार्बोजोन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, ये वाली रिएक्शन ग्लूकोज ने नहीं शो करी थी,
क्योंकि ओपन चैन में वो ऑक्साइम नहीं बनाता है। मैंने आपको बताया भी था कि ओपन चैन जो है ग्लूकोज की, वो ऑक्साइम नहीं बनाता है। इसीलिए साइक्लिक जब पढ़ाया था कि साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है, क्यों आई बाद में, तो वो इसीलिए आई थी क्योंकि ओपन चैन में वो ऑक्साइम भी नहीं बनाता है, लेकिन कीटोन बनाता है। तो कैसे बनाता है? रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो फ्रक्टोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म ऑक्साइम, ऑक्साइम बनाने के लिए। कैसे करता है ये? देखो, CH2OH और नीचे आएगा कीटोन ग्रुप, ये आएगा आपका CHOH का थ्राइस, और ये हो जाएगा आपका CH2OH। जब ये रिएक्शन करेगा, हाइड्रोक्सिल अमीन होता है NH2OH, OH के लिए हाइड्रोक्सिल और अमीन के लिए NH2, NH2 अमीन, ये होगा आपका हाइड्रोक्सिल अमीन। जब इसने इससे रिएक्शन करी, ये क्या करेगा? अब O तो ये रिलीज करेगा, ये वाला H और इस O के साथ जाना है, और NaOH आके जुड़ जाना है इससे। NaOH, और ये आपका बन जाएगा नीचे का तो एज इट इज रहेगा CH2OH। ये है आपका फ्रक्टोज ऑक्साइम भी बोल देते हैं इसे, फ्रक्टोज एक्साइम ऑक्साइम, ठीक है, फ्रक्टोज ऑक्साइम। नोट डाउन कर लीजिए, और आज आपकी ये 5 रिएक्शन हो गई हैं। बाकी रिएक्शन हम फ्रक्टोज की कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग। थैंक यू।